आयुक्त सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी सेक्टर 14 योगविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी इंचार्ज सेक्टर 16 गुरपाल सिंह और उसकी टीम ने नकली करेंसी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मुस्तकीम सालमनी पुत्र यामिनी वासी के रूप में हुई है, जो मौली जांगरा कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा सेक्टर 16 पंचकुला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उपयुक्त आरोपी मुस्तकीम ने 17 जनवरी 2023 को बैंक ऑफ इंडिया की कैश डिपोजिट मशीन में पैसे जमा करवाए थे, जिन पैसों के बीच में आरोपी ने नकली करेंसी के 500 के नोट भी साथ में लगा दिए थे, जो मशीन में जमा हो गए, जिसके बाद पता चला कि पैसों में कुछ नोट नकली है। जिस नकली करेंसी के बारे में थाना में प्राप्त सूचना पर मामला दर्ज किया गया, जिस मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए उपयुक्त मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हाँ जी सर, बताएंगे, एक आरोपी पकड़ा है, एक नकली नोट वो करता था, सर क्या मामला है सर? जी बिल्कुल, हमारे पास 25 जनवरी 2023 को बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने कंप्लेंट की थी, सेक्टर 16 ब्रांच के मैनेजर ने, कि हमारे पास एक बैंक अकाउंट है जो है मुस्तकीम सलमानी का, उसमें जो है नकली नोट जो है वो जमा कराए गए हैं, जो कैश डिपॉजिट मशीन है उसके थ्रू 2 ट्रांजैक्शन करी हैं जमा करवाने ने करवाने वाले ने, एक है 28,000 की, एक है 16,000 की, जिसमें कुल 5 नोट नकली है। तो उनके द्वारा दी गई शिकायत पे हमने मुकदमा दर्ज किया था, और उस मुकदमे के संबंध में आज हमने ये आरोपी, जिसका नाम है मुस्तकीम सलमानी सन ऑफ यामीन मोहम्मद यामीन, ये मौली जागरा का रहने वाला है, ये आज हमने अरेस्ट करा है। और